और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, लालू यादव से मिला शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल। शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिलाने को लेकर मुलाकात की गई। संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा के नेतृत्व में मुलाकात हुई है। आरजेडी सुप्रीमो ने शिक्षकों को समाधान का आश्वासन दिया। लालू प्रसाद यादव ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में कार्यकारी अध्यक्ष समेत तमाम सदस्य भी मौजूद रहे। लालू यादव से सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां लालू प्रसाद यादव से मिला शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल। शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिलाने को लेकर ये मुलाकात की गई है। संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन नंदन शर्मा के नेतृत्व में ये मुलाकात हुई है। आरजेडी सुप्रीमो ने शिक्षकों को समाधान का आश्वासन भी दिया है। लालू प्रसाद यादव ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ संवाददाता सनी जुड़ गए हैं। सनी, देखिए, लालू प्रसाद यादव से शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल मिला और लालू प्रसाद यादव की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पूरी जानकारी क्या है? जी देखिए शिवानी, लालू प्रसाद यादव पहले भी राष्ट्रीय जनता दल जब चुनाव में लड़ रही थी तो शिक्षकों के मुद्दे को लेकर मुखरता से बोल रही थी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा, समान काम, समान वेतन सहित कई तरह के जो प्रावधान हैं जो पुराने शिक्षकों को मिलते आ रहे हैं वो मिलेगा। तो पिछले दिनों शिक्षकों का जो आंदोलन उग्र हुआ, भाजपा ने शिक्षकों के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, लाठीचार्ज, इन तमाम चीज़ों को अगर जोड़कर देखा जाए तो हम लालू प्रसाद यादव भी समझते हैं कि ये महज 4 लाख शिक्षक नहीं हैं, इनके साथ लगभग 20 लाख वोट है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद से ब्रजनंदन शर्मा के अलावे कई शिक्षक संघ के लोगों ने मुलाकात की है। यहां तक कि पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ ने भी उनसे मुलाकात की है देर रात, और इस मुलाकात में शिक्षकों के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के साथ बातचीत को लेकर चर्चा चल रही थी कि जैसे ही बिहार में मानसून सत्र खत्म होगा तो शिक्षकों के मुद्दे को लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात करेंगे, पहल करेंगे, और ऐसे में काफी समय बीत चुका है तो शिक्षकों ने लालू प्रसाद यादव से गुहार लगाई है और अब कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी खबर आ सकती है। मुख्यमंत्री से लालू प्रसाद खुद बात कर सकते हैं। पिछले दिनों लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की मुलाकात भी हुई थी तो कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अब जो है बातचीत होनी है। देखना यह होगा कि कब तक समय दिया जाता है। अब बिल्कुल, लेकिन देखिए सनी, कहीं ना कहीं शिक्षकों के मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर निशाना साध रही थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद जो आश्वासन शिक्षकों को मिल पाया है, यानी कि अब कहीं ना कहीं राहत शिक्षकों को जरूर मिल पाएगी जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर। जी बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव अगर सरकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो तेजस्वी यादव की वजह से, लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव किसी मुद्दे को लेकर हस्तक्षेप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि राष्ट्रीय जनता दल में राजद की तरफ से भी सरकार में हस्तक्षेप की बात सामने आएगी। तेजस्वी यादव को फ्री हैंड लालू प्रसाद यादव ने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लालू प्रसाद का वीटो पावर काम करता है, और ऐसे में अगर शिक्षकों के मुद्दे पर लालू प्रसाद का वीटो पावर काम करता है तो राजद मुखरता से शिक्षकों के साथ खड़ी रहेगी। घोषणा पत्र में भी राजद ने शामिल किया है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक अच्छा मौका है। और 20 के चुनाव में जो आंकड़ा निकलकर सामने आया था, सरकारी कर्मियों ने जो वोट किया था उसका 80% वोट मुख्यमंत्री के विरोध में गया था, और जिसमें शिक्षकों की संख्या काफी अधिक थी, और वो सभी बैलेट पेपर कहीं ना कहीं जो है लालू प्रसाद यानी राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में आया था, और जिसको लेकर राजद कहीं ना कहीं शिक्षकों को लेकर सकारात्मक प्रयास कर रही थी। ठीक है सनी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।